नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी इनिशियल क्लासेस में और अभिनंदन है आप सभी का। तो बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार थोड़ा सा अंक बार बता दीजिए सेकंड ग्रेड के अंदर, तो उसको लेकर क्या मतलब किस पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, क्योंकि जिस दिन से आप यूँ मान लीजिए कि एग्ज़ाम डेट आई है उस दिन से थोड़े से विचलित ज़रूर हुए हैं बहुत से स्टूडेंट जो हैं, वो थोड़े से विचलित ज़रूर हुए हैं। तो आज की क्लास को ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये फालतू टाइम वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। कई बार ये छोटे छोटे जो वीडियो जो हम लोग बनाते हैं, ये वीडियो अनुभव के आधार पर बनते हैं और इसका फायदा भी मिलता है, और आप सुनिएगा ध्यान से, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपनी जो क्लासेस चल रही है वर्ण संज्ञा सर्वनाम जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस चल रही है, उसमें जैसे कुछ क्वेश्चन हैं वो थोड़े से बहुत दो तीन, जैसे कल मैंने देखा संधि वाली क्लास में क्या हुआ कि उसमें पूछा था कि कौन सा सही है और मैंने आंसर लगाया कौन सा सही नहीं है, तो वहाँ पे दो तीन क्वेश्चन में गलती रह गई थी। तो ये रह जाती है आपसे मुझसे किसी से भी गलती हो जाती है, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन करके उसका सही आंसर भी बता देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब हम सबसे पहले देखो, हमारे पास अभी भी 40 दिन शेष हैं, अभी भी हमारे पास लगभग 40 दिन के आसपास शेष हैं। आप मान के चलिए 40 दिन कम नहीं होते हैं। आप पिछले 1.5 साल से मैं समझ रहा हूँ रीट तो इस बार आपको इतना बिजी रखे हुए हैं कि अब तक आप बिजी हैं, कभी फर्स्ट ग्रेड में चले गए, कभी थर्ड ग्रेड थर्ड में, कभी सेकंड ग्रेड में, तो आप बिजी हैं, यानी आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक बार आंख बंद करके आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर एक बार सोचिए कि क्या आपने सिलेबस एक बार पूरा किया है या नहीं किया। 5-10% को छोड़ दीजिए, स्नातक वगैरह मान लो बालकांड नहीं पढ़ा हो वगैरह, मैं सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ईमानदारी से बताइए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो, आपने व्याकरण, मैं जहां तक समझता हूं, एक बार पक्का जो व्याकरण है वो कंप्लीट कर लिए होगे। दूसरा, व्याकरण में के बाद आपने साहित्य, आप लगातार जब भी बैठते हो रात को सोते बैठते समय साहित्य भी पढ़ते रहते हो। उसके बाद जब बात करते हैं शिक्षण विधियां, आपने रीट में इतनी शिक्षण विधियां पढ़ी है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अगर कोई चीज रहती है तो वो चीज रहती क्या है, तो वो रहता है स्नातक का मैटर। क्या रहता है? स्नातक का मैटर रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। फिर भी हम में जो घबराहट है, ये घबराहट क्यों है? घबराहट इसलिए है कि हम अभी तक भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वास्तव में अपनी तैयारी औरों से अच्छी है या नहीं है। देखो, मैं लगातार टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ से मई के बाद से कंटिन्यू चला रहा हूँ। हर पेपर में 2-4-5 क्वेश्चन गलत आते हैं, मुझे बता दो आज तक किसी भी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के किसी भी पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया हो, ऐसा मुझे एक भी पेपर बता दो, ऐसा नहीं होगा। कितना भी चेक कर लें ध्यान चूक ही जाता है, एक दो क्वेश्चन में गलत आ जाता है, कई बार टाइपिंग वाले से मिस्टेक हो जाती है, कई बार पेपर बनाने वाले से हो जाती है, कई बार मुझ जैसे चेक करने वाले से हो जाती है, तो मिस्टेक्स होती रहती। हमारा सबसे अब जो मेन ध्यान रहना चाहिए, मैं जो रणनीति बता रहा हूँ, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, आप इसे फॉलो कर लीजिए, सिलेक्शन सुनिश्चित है। आप इसे एक बार फॉलो कर लो, बस गारंटेड बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अनुभव के आधार पर जो रणनीति सही तरीके से रिवीजन किया जाए तो सफलता सुनिश्चित मिलेगी। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर सही तरीके से अपन रिवीजन करें तो आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। अब देखो कि सर कैसे करें आप बताओ, सबसे पहले मैं बात करूंगा अंक विभाजन पे, पहले मैं बात करूंगा किस पे, अंक विभाजन पे बात करूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप व्याकरण की बात कीजिए, किसकी बात कीजिए, व्याकरण की। पिछली बार व्याकरण में 40 क्वेश्चन आते थे एवरेज, कभी एक कम कभी एक ज्यादा, यही रहा है व्याकरण। इस बार साहित्य, काव्य शास्त्र, मैं बता रहा हूं वो एक लॉजिक के आधार पे बता रहा हूं, और आपको पता है कल की डेट में फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत विभाग का पेपर होने वाला है, तो उसमें तो पहले से रेशियो सेट किया हुआ है, लेकिन अपने इस पेपर में रेशियो सेट नहीं है। व्याकरण, साहित्य, काव्य शास्त्र और स्नातक और शिक्षण विधियां। मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ स्टूडेंट मुझे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर आप शिक्षण विधियों के भी ऑब्जेक्टिव करवाओगे क्या? मेरे पास 10 पेपर बनाए हुए हैं शिक्षण विधियों के, वो मैं करवाऊंगा और आपको पीडीएफ दे दूंगा। शिक्षण विधियों के 20 क्वेश्चन फिक्स हैं, कोई डाउट नहीं है, 20 मतलब पीसी आएंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। स्नातक जो कि पहले 20 आते थे, काव्य शास्त्र जो कि पहले 10 आते थे, साहित्य जो कि पहले लगभग 10 से आप मान लो खींच के 15 मान लो 15,
और व्याकरण जिसके पहले 40 आते थे, बाकी जो चले। अब ये कितने हो रहे हैं, 40, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, यानी अभी तक 45 क्वेश्चन और ऐड किए जाएंगे। आप इस बात को क्लियर मान लो कि 10 क्वेश्चन यहां ऐड होंगे, यानी व्याकरण में जो रेशियो रहेगा वो 50 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन अब की बार, ये जो है ये 20 के 20 ही रहने वाले हैं। स्नातक में आप मान के चलिए कम से कम 5 क्वेश्चन का इजाफा हो सकता है। काव्य शास्त्र में मान के चलिए आप कम से कम 5 क्वेश्चन का इजाफा हो सकता है, और साहित्य अब की बार 30 प्रश्न तो आने ही आने। अब देखते हैं क्या हमारा 50, 80, 80 और 25 और 15 कितने हो गए, 40, 120 120। अभी तक भी 10 क्वेश्चन बाकी, ये 140 का रेशियो है, अभी तक भी 10। अब ये जो 10 क्वेश्चन है, अब ये 10 क्वेश्चन देखो, या तो फिर यहां पर भी ऐड हो सकते हैं, या फिर ये यहां पर भी ऐड हो सकते हैं, या 5 क्वेश्चन यहां पर, यानी कुल मिला के आपको रिजल्ट, इसका सार क्या निकलता है, सार ये निकलता है कि साहित्य के प्रश्नों में वृद्धि होगी जो आप सबको पता है, व्याकरण के प्रश्नों में भी 10 क्वेश्चन की वृद्धि होगी आप सबको पता है, क्योंकि अपने आप इस चीज को नोट करें, व्याकरण में क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि व्याकरण में वाच्य, काल, वचन, लिंग, कारक, ये कुछ 7-8 छोटे छोटे टॉपिक जो जोड़े हैं, इनके कारण अगर 2-2 क्वेश्चन भी लेके जाते हैं तो 10-12 क्वेश्चन पक्के लेके जाएंगे। साहित्य में क्यों इजाफा होगा, क्योंकि साहित्य में आप मान के चलिए कि लगभग वो जो किताबों वाले प्रश्न हटे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे साहित्य में 15-20 प्रश्नों का इजाफा किया जाएगा, 30 प्रश्न होने की संभावना पूरी पूरी है। मेरा एक ये भी मन है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में स्नातक ज्यादा आ गया तो थोड़ा सा यूं लग रहा है कि स्नातकोत्तर ज्यादा आ जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शब्द शक्ति, रीति, गुण, दोष, अलंकार, छंद है ना, ये काव्य शास्त्र ज्यादा है। काव्य शास्त्र के क्वेश्चन जो हैं वो अगर 20 तक भी चले जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं है। ये क्या है, अनुमान है, पिछले पेपर पैटर्न के आधार पर अनुमान है। स्नातक ये बिल्कुल 10 क्वेश्चन पक्का बढ़ेगा, 20 शिक्षण विद्या नहीं बढ़ेगी, ये आप मान के चलिए। तो अब आप यूं नहीं कह सकते कि सर व्याकरण में इजाफा होगा या साहित्य में होगा या काव्य शास्त्र में होगा, मैं कह रहा हूं चारों में 10-10 क्वेश्चन, क्योंकि 45 क्वेश्चन हटें और वो 45 में 5-5, 10-10 क्वेश्चन लगभग हटेंगे, ये सॉरी ऐड होंगे। आपको तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए कि सबका रेशियो बराबर है। अब मेरा जो मानना है मैं आपको वो भी क्लियर बता देता हूं कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। अब जो अंतिम समय जो है, सबसे पहली चीज, अगर आप करना चाहते हो और मानते हो तो कर लेना, नहीं मानते हो तो भाई मत करना, आपकी इच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नियमित रूप से साहित्य का रिवीजन कीजिए। कैसे, आज आदिकाल पढ़ना है मतलब कंप्लीट आदिकाल पढ़ना है, आज आदिकाल पढ़ना है मतलब कंप्लीट। अगर मान लो कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो आदिकाल को 2 दिन में पढ़ ले, कल भक्तिकाल पढ़ना है तो 2 दिन में भक्तिकाल पढ़ ले, 2 दिन में रीतिकाल पढ़ ले, और 2 से 3 दिन में आधुनिक काल पढ़ ले, 2 दिन में गद्यदान, 2, 4, 6, 10, 13 दिन में एक बार साहित्य हो जाएगा, और दूसरे 13 दिन में एक बार साहित्य, और तीसरे 13 दिन में आराम, क्योंकि लास्ट में कम समय लगेगा, फिर एक एक दिन कर लीजिए, 3 बार साहित्य का रिविजन हो सकता है। ध्यान से सुनने बात को, नियमित रूप से पढ़ना और 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने 2 दिन दिए हैं। व्याकरण जो है, आप व्याकरण में तो अपनी जो क्लासेज जो चल रही है, मैं जैसे एक दिन पहले बता देता हूँ, जैसे कल समास की क्लास होगी, फिर संधि की होगी, उपसर्ग पढ़ते यूँ बता देता हूँ, आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ के आओ, यहाँ ऑब्जेक्टिव हल करो, और मेरे से कोई गलती रहती है तो मेरी गलती निकालने का प्रयास करो, बड़ी मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करो। व्याकरण में दोस्तों, आप मानो या ना मानो, ये जो शब्द विचार होता है, शब्द विचार में मेरा तात्पर्य यहाँ पर है, ये जो विलोम, पर्याय, एकार्थक, अनेकार्थक है ना, इनको आप आधा आधा घंटा अभी से देना शुरू कर दो, 40 दिन पढ़े। मैं वर्ण संज्ञा प्रणाम विशेषण क्रिया अव्यय संधि समास उपसर्ग पढ़ते हैं, मेरे कभी प्रश्न गलत नहीं होते हैं, कभी भी, किंतु ये जो पर्याय विलोम वगैरह है ना, इनमें कभी ना कभी चूक हो ही जाती है। ये एक क्या है कि मतलब ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, तो इन शब्द ज्ञान पर थोड़ा सा विशेष फोकस करें तो ज्यादा बेस्ट है। कौन सा पार्ट आपका कमजोर है, तत्सम तत्वों में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, उन पर फोकस करें, ठीक है। वचन लिंग में भी बहुत दिक्कत आती है, वाच्य भी बहुत टफ टॉपिक माना जाता है, तो आप इनको थोड़ा समय देवें। संज्ञा सर्वनाम विशेषण का तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमें संज्ञा और विशेषण में अंतर पता नहीं चलता, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ इसका अंतर निकालना बहुत ईजी है, लेकिन
अप्लाई नहीं करते हैं ना, वो उनकी गलती है। आप व्याकरण सिर्फ डेली 1 घंटे पढ़ लेंगे ना तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, 1-1.5 घंटा बहुत है। उसके बाद जब मैं बात करूं स्नातक, अरे आप इस पाठ को लेकर क्यों घबरा रहे हो, मुझे समझ नहीं आती। ये स्नातक पाठ आप सोच के देखिए, कभी सॉरी बिहारी मीरा और मिश्रण, ये तीन तो बहुत इजी हैं, और इसके अलावा जो 3 कहानियां लगती है वो इजी हैं, और कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं है ज्यादा, जैसी हिंदी लिखी हुई है वैसे ही सीधा सीधा वो क्या पूछेगा कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र वह रोता है इतिहास के अध्याय पर, इतिहास के अध्याय पर वह कौन रो रहा है, ये किसके लिए आया है, उसमें पौराणिक जो क्या कहते हैं पात्र है उनमें से किस किस का वर्णन हुआ है, तो उसमें भीष्म का भी वर्णन आया है, अपने दुर्योधन का है, युधिष्ठिर का है, अभिमन्यु का है, अर्जुन का है ना, तो द्रौपदी का है, भीम का है, इनका वर्णन आया, कहाँ पविकाय शब्द किसके लिए आया, भीम के लिए आया है, मानवी शब्द किसके लिए आया है, तो मानवी शब्द आया है अपने द्रौपदी के लिए आया है ना, और जैसे कहते हैं और भी कुछ शब्द है जैसे, हाँ एक बहुत बढ़िया प्रश्न उसमें से निकलता है कुरुक्षेत्र में से, कि इतिहास जो युद्ध भूमि में लड़खड़ाता हुआ, मतलब शुरू से लेकर अंत तक एक लाइन आती है कि वह लड़खड़ाता हुआ घूम रहा है पूरे युद्ध के मैदान में, वो लड़खड़ाता हुआ कौन घूम रहा है, वो घूम रहा है हर्ष का स्वर घूम रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत ईजी चीज है, आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे हो। अब सूरदास को तो आप मस्त होकर पढ़ सकते हो, सूरदास में गोपियां और कृष्ण का वर्णन है, उधर गोपियां उद्धव को ताने दे रही है, उधर उद्धव गोपियों से वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये चर्चा इसको आराम से लेकर पढ़ो, बस उसमें उपंग सुत किसके लिए आया है, मधुसूदन किसके लिए, इस प्रकार के शब्द निकलेंगे, तो कहां दिक्कत है। आप सूरदास के आज मान लो 1 बड़ा पैरा पढ़ लिया, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, और उसको फटाफट 2 बार रिवीजन करके रख लिया, तो भी सूरदास पार पड़ जाएगी, क्योंकि ये कभी भी आप जो भी कोचिंग करते हैं क्लासेस में नहीं करवाए जाते हैं, इतना कुछ करवा देते हैं ठीक है टाइम पड़ा होता, बाकी ये चीज़ें क्या है खुद पढ़ने की होती है, ठीक है। अब उसके बाद में वो जो एक वो कौन सा है लहरों के राजंस, अरे वो तो एक स्टोरी की तरह चलता है, श्वेतांग श्यामांग वगैरह, आप उसे हम क्या और ये तो कौन पटीजे, वो तो बड्डो घणो, अरे ये क्या बड्डो घणो कौन पटीजे भाई, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, और जो चीज सरल है वो छोड़ते हो ना आप, तो आप पीछे होते हो, इसमें कोई दोराय नहीं है, ठीक है। अब मैं मानता हूं इसमें टफ क्या चीज है, 1 कबीर और 2 बालकांड, ये 2 ही टफ है, ठीक है, लेकिन अपने को, और तीसरा मैं मानता हूं वो जो रामचंद्र शुक्ल के निबंध, वो अब उन निबंधों की तो मैंने एक खास बात देख रखी है, आप उस निबंध को पहली बार पढ़ो, हाईलाइटर लो, और आपको जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करो, और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ध्यान भंग होना चाहिए, जहां ध्यान भंग हो वहां थोड़ा सा एक बार वापस 2 मिनट इधर उधर करके वापस कंसंट्रेट रखो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3री बार में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपको उस निबंध से आता नहीं, इसको तो मैंने खुद ने अप्लाई किया हुआ मतलब, तो ये जाएगा नहीं। अब कबीर की बात करूं, कबीर को आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, अब सर ये कब पूरा होता है, हम आगे पढ़ते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं, भाई ऐसे भूल जाते हो तो फिर सिलेक्शन में 1200 कैंडिडेट चाहिए उनको 2-2.5 लाख में से, तो वो 1200 डंके ले लेंगे, और फिर आप भूलते हो ना, तो आप आराम से बैठे बैठे भूलो, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन देखो सच कड़वा होता है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है बालकांड, इसको आपको, इस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें इसका भाई मैंने जो तरीका अपनाया उससे मेरे दोनों क्वेश्चन सही हुए, वो तो ये है कि आपको क्या करना चाहिए कि आज दोपहर में बहुत पढ़ते पढ़ते थक गए, चलो आज बालकांड वाली कहानी पढ़ लेते हैं, वो जो सार दिया हुआ जो गाइड के अंदर उस सार को आप बढ़िया तरीके से पढ़ लो, आपका बालकांड क्लियर है, मैं उससे आपका उत्तर निकाल लोगे। अब फर्स्ट ग्रेड में जो प्रश्न आया प्रस्तुत पंक्ति किस कांड की, अरे जब कोर्स में बालकांड लग रहा है तो बालकांड ही करेंगे सारे के सारे, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपका वो जो मेहनत होती है बेकार चली जाती है, और एकदम अंदर से डीप पूछ लेते हैं तो चाहे आपका कितना ही पढ़ा वो क्वेश्चन नहीं होगा, तो ऐसी चीज पर समय नष्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब जो कहानियां लगती है, तो कहानियां तो जैसे आप अगर ढंग से पढ़ोगे कहीं दिक्कत ही नहीं है। अब लोग कहें सर खून का टीका बहुत बड़ा है, खून का टीका बड़ा है तो कितनी शानदार कहानी है, उसे आप उसे कहानी के माध्यम से पढ़ो, एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ो, चाहे उपन्यास हो कोई इंटरेस्टिंग है उसे एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ोगे, पढ़ो पता करो कि अमीर क्या है, कहाँ गया था, किससे मिला, और जहाँ जहाँ जिस जिससे मिल रहा है जो उनके कोटेशन पे ध्यान देना है कि कौन क्या क्या कोटेशन कह रहा है, वहाँ पीछे चारण क्या कोटेशन कह रहा है, राजपुरोहित क्या कोटेशन कह रहा है उन पर। अब देखो खून का टीका मेरे सिलेबस में नहीं लगता, फिर भी मैंने एक बार उसे पढ़ा ताकि मुझे थोड़ा पढ़ाने में बड़ा आसानी मिल जाए,
तो कहीं ना कहीं ये पार्ट आप जबरदस्ती है ना, एक आपने हेडेक बना रखी है, आपने हेडेक बना रखी है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसे आप रात को सोने से पहले अगर एक घंटा पढ़ के सो तो 10 दिन में आपका स्नातक एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, इसी कारण से तो मतलब सिलेक्शन से चूक जाते हैं। और अभी एट प्रेजेंट मेरे पास 350 कैंडिडेट संपर्क में आ चुके हैं टेस्ट सीरीज के द्वारा। मैंने एक चीज़ नोट की है, आप में से बहुत से सुन रहे होंगे, वो बात सुननी भी चाहिए, मैंने एक चीज़ नोट की है, पढ़ने वाले हैं ना 350 में से 25 से 30 स्टूडेंट है, या मान लो रीट के स्टूडेंट को साथ में ले लूँ फर्स्ट ग्रेड के, तो 50 कैंडिडेट होंगे जो सीरियसली पढ़ने वाले, जिन्होंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। टेस्ट सीरीज में पीटीआई के ठीक है सबका सिलेक्शन हो गया, ये बोलते हैं सबका तो कहीं नहीं हुआ, 30-40 हज़ार फॉर्म थे, 5 हज़ार का सिलेक्शन हुआ है, 25 हज़ार रहे भी हैं, 70 स्टूडेंट आते थे, लगभग 70 के आसपास स्टूडेंट आते थे, सबका पीटीआई में सिलेक्शन हो गया। मेरी बदौलत नहीं, बदौलत उनकी हुआ है, वो मेहनत, लेकिन उनकी खास बात जरूर बताता हूं, उन्होंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया था, और जिन्होंने दो जनों ने मिस किया, तीन जनों ने मिस किया, वो उनको मैंने इग्नोर ही कर दिया, मैंने कहा चलो अपने कहना ही नहीं। ठीक है, सही, फर्स्ट ग्रेड में भी लगभग 11 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इस बार, कितने 11, और मैं ऑनलाइन वालों की बात ही नहीं कर रहा हूं, उनमें से अभी तक कितने आए मुझे नहीं पता है, मैं तो ऑफलाइन वाले, 11 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, बहुत बड़ी बात होती है। सेकंड ग्रेड में भी मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप मेरी रणनीति से तैयारी कर लेते हो, लेकिन नहीं अपने को तो ज़्यादा मतलब अध जल गगरी छलकत जाए, है ना, थोड़ा सा दो चार किताबें पढ़ने से अपने आपको क्या नहीं समझने लगते हैं, कोई टीचर कोई बात कहता है उसको समझते नहीं है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम मैं कर्म निभाता हूँ अपना तुम अपना धर्म निभा देना, नरेंद्र कोहली की कविता की अंतिम दो पंक्तियाँ हैं, मैं कर्म निभाता हूँ अपना तुम अपना धर्म निभा देना, तो मैंने अपना कर्म निभा दिया, आप अपना धर्म निभाओ या ना निभाओ ये आपकी इच्छा है। तो ये स्नातक पाठकों को डेली नाइट में रात को सोते कि चलो आज ना मैं बिहारी पढ़ के फिर सो जाते हैं, चलो आज ना मिशन पढ़ के फिर सो जाते हैं, सर 2 बजे पढ़ने के बाद तो सर ऐसा मन ही नहीं करता, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो उनके मतलब नींद आती है सर, सुबह नींद नहीं खुलती है, और जो 7 बजे तक उठता नहीं है वो तो एकदम मतलब निर्लज इंसान है, मैं तो ये कहूँगा। आप चाहे 2 बजे सो चाहे 3 बजे सो, आई डोंट केयर, मुझे नहीं मतलब, मेरा मानना है जो 7 बजे सुबह इन दिनों में पढ़ाई के दिनों में 7 बजे तक अगर उठ के पढ़ने नहीं बैठ जाता है, ठीक है 6 बजे उठ के फटाफट नहा धो के बैठ के पढ़ने, जो 7 बजे तक पढ़ने नहीं बैठता है ना, वो तो मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा, उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, जो सिर्फ तैयारी को समर्पित है, हॉस्टल्स में रह रहे हैं या फिर जैसे मतलब माता पिता पर डिपेंडेंट है, ऐसे कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो मैं देखता हूँ 7 बजे तक भी नहीं उठते हैं, तो ऐसे लोगों को मेरा दूर से सलाम है। आगे चलते हैं, तो साहित्य हो गया, व्याकरण मैं बात करी, स्नातक की बात करी, अब मैं बात करता हूँ काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र भाई देखो ये एक पार्ट ऐसा है जिसमें आपको कहीं ना कहीं रुचि वाला पार्ट है, आप हालांकि आएगा सिंपली, अगर आपसे काव्य माधुर्य गुण पूछा जाएगा, वेदर विवृत्ति पूछी जाएगी, ठीक है आपसे पूछा जाएगा कि भामा दंडी वामन मम्मट आनंद वर्धन कुंतक इनको क्रम से सेट करो, तो इनकी शताब्दियां भी आपको याद होनी चाहिए, मम्मट में जैसे अब ये याद हो जाती है, मम्मट में जैसे मम्मट की 11वीं शताब्दी है, ठीक है ऐसे मान लो आपसे पूछ लिया आनंद वर्धन ने कितने गुण माने, तो देखो आनंद वर्धन ने 3 गुण माने, आनंद वर्धन ने कितने माने 3 गुण माने, मम्मट ने भी कितने गुण माने 3, जगन्नाथ ने भी कितने गुण माने 3, विश्वनाथ ने भी कितने गुण माने 3, आपको पता होना चाहिए कितने, कुंतक ने कितने गुण माने 6 माने, सबसे ज्यादा किसने माने भोजराज ने माने कितने माने 72 गुण माने, ठीक है आपको ये पता होना चाहिए, वामन ने कितने माने 20 माने, ठीक है आपको पता होना चाहिए BDB है ना, BDB यानी भरत मुनि दंडी और भामा इन्होंने कितने गुण माने 10 गुण माने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने कितने गुण माने हैं, ये तो है रटने वाली चीज़ें। अब माधुरी गुण को पहचानने के तरीके क्या हैं, 7 गुण को पहचानने के तरीके क्या हैं, ओज गुण को पहचानने के तरीके, बहुत सी किताबों में लिखे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा टीचर मान लो ढंग से समझा दे उसके बाद इसमें से गलत होने के चांस, काव्य शास्त्र मैथ की तरह या तो क्वेश्चन गलत पे गलत होते हैं और या फिर एक भी गलत नहीं होता, ये मैथ की तरह मानता हूँ मैं इसे, कैसे, क्योंकि जिसकी रुचि है मैथ में वही मैथ के 100% सही कर सकता है, जिसके काव्यशास्त्र में रुचि है वो कर सकता है। अलंकार बहुत ईजी है पहचान, अलंकार तो 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता होना चाहिए चारों के लक्षण पता है तो तुरंत आप अंदाजा लगा लेते हो, हाँ इसमें पंक्ति पढ़ते ही समझ जाता है इसमें श्लेष है इसमें भ्रांतिमान है इसमें असंदेह मतलब इसमें संदेह है, तो ये थोड़ा सा काव्यशास्त्र रुचि का सब्जेक्ट है। अब सर कैसे करें आप बताओ, तो मैं यही कह सकता हूँ इसके भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाऊंगा, जब मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा
तब इसके ट्रिक्स मैं बता दूंगा कि देखो इस तरीके से आप इस अलंकार को पहचान सकते हो। ठीक है, तो काव्य शास्त्र देखो मैं करवाऊंगा सारे ऑब्जेक्टिव, ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। मैं आपको मीरा के भी कराऊंगा, बिहारी के भी कराऊंगा, बालकांड के भी कराऊंगा, कबीर के भी कराऊंगा, सूरदास के भी कराऊंगा, मैं करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव सारे। सर कब करवाओगे? एक ये देखो मतलब हड़बड़ी जो है ना, हड़बड़ी वाले स्टूडेंट से तो मैं दूर ही रहता हूँ, मैं उन्हें इग्नोर भी करता हूँ। मैंने कह दिया करवाऊंगा, रिलैक्स होकर आराम से चल रहा है, 40 दिन है और मैं भी 40 दिन की रणनीति लेकर चला। आपको 10 दिन पहले एकदम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सारे करवा दूंगा तो बस बात ही खत्म हो गई। अब इतना ज्यादा हड़बड़ी है तो भाई किताबें पढ़ी है, खुद पढ़ लो, सीधी सी बात है। मैं तो अपने तरीके से करवाऊंगा, मुझे पता है कि कहाँ कौन सी चीज कब करवानी है बस। तो ये काव्य शास्त्र के ऑब्जेक्टिव भी मैं करवाऊंगा। रस के अंदर आपको पता होना चाहिए संचारी भाव, स्थायी भाव, स्थायी अनुभव क्या है, ठीक है, वाचिक क्या है, आहार्य क्या, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इन चीजों पर हम ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, तब मैं पूरा टॉपिक का टॉपिक रिविजन करवा दूंगा। फिर बात आती है शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों को यूं है, सीधी सी बात है, 50-50 के 10 सेट बना रखे हैं मैंने, और वो यहाँ इसी तरह PPT नहीं बना पाऊंगा शायद मैं, तो मैं उसी जो पेपर है ना वही यहाँ ला के और पेपर में ही सॉल्व करवा दूंगा और वो PDF अपलोड कर दूंगा। तो ये है मेरा तरीका। और इसी तरीके से अगर आप हिंदी में तैयारी करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप बस 140 प्लस ही रहोगे, कम नहीं, क्योंकि गलती करने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, आप आंखें बंद करके सोच के देखिए कि 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं और चार ऑप्शन होने के बाद भी हम क्यों गलत कर देते हैं। अगर मान लो भाई 100 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनमें आप फट से आंसर देखते ही पता लगा देते हो, तैयारी करने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, पीछे जो मान लो 50 प्रश्न होते हैं उनमें से भी आप 30 प्रश्न निकाल लेते हो, हाइएस्ट 20 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनके आप दोस्तों उत्तर नहीं निकाल पाते हो, है ना, उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो। और वो 20 में से आप 15 अटेंड करते हो, कई बार वो सही जाते हैं, यूं कर कुरा के लास्ट में आप 125-27 पर रह जाते हो। लेकिन उन 20 में से सबसे पहले आपको दो आंसर निकालने चाहिए, फिर आप तुक्के लगाओ, तुक्के क्या, दो में से फिर आप एक आप आइडिया के आधार पर तुक्का ही लगाओगे, फिर आप देखो आप 50-50 रहोगे तो भी आप प्लस में रहते हो। पेपर करने की रणनीति होती है, युद्ध कभी संख्या बल से नहीं जीता जाता, युद्ध सही रणनीति से जीता जाता है। आप युद्ध इस आधार पर नहीं जीतोगे कि आपने कितने घंटे तैयारी की है, आप ये युद्ध इस आधार पर जीतोगे कि आपने जो कम समय में जो तैयारी की वो कितनी सारगर्भित है, आपने कम समय में जो कितनी एकाग्रता के साथ पढ़ाई की है, आप इस आधार पर ये युद्ध जीतोगे, न कि इस आधार पर कि मैं 15 घंटे पढ़ता था, मैं 20 घंटे पढ़ता था। अक्सर आप ये सुनते हो कि वो 20 घंटे पढ़ता था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और 5 घंटे पढ़ता था उसका सिलेक्शन हुआ, रीजन ये था कि वो सिर्फ पढ़ता था और वो गुणता था। उसने क्या किया, उसने सही रणनीति से पढ़ाई की और मतलब क्रमबद्ध तरीके से चला, और वो दूसरा क्या था, वो सिर्फ पढ़े जा रहा है, उसको याद हो रहा है नहीं हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट्स का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए कह रहा हूँ अभी तक 40 दिन हमारे पास में से सही रणनीति का चुनाव कीजिए और सही रणनीति से क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कीजिए। हिंदी को एक अलग टाइम दीजिए, GK को अलग टाइम दीजिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। GK की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मैं आपको अभी तक भी कह रहा हूँ आप नया ना पढ़े, GK के अंदर आप नया ना पढ़े, आपके जो भी ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो ज्योग्राफी के नोट्स। अब उसमें क्या है, मैं ये मानता हूँ कि एक तो आपके हैं भूगोल, आप मानो या ना मानो मैं मानता हूं, सुन लेना। दूसरा है आपके राजनीति, ठीक है, तीसरी है आपके इतिहास, चौथी है आपके संस्कृति, और पांचवा पार्ट है आपका भारत भूगोल वगैरह, और छठा पार्ट है आपका दोस्तों मनोविज्ञान। क्या पार्ट है? मनोविज्ञान। देखो ये जो भूगोल है, आप अब आपके सारी भूगोल रीट वगैरह हम पढ़ी हुई है, आपको मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आज 2 टॉपिक ले लिए, कल 2 टॉपिक ले लिए, दो दो टॉपिक डेली आपको रिवीजन करने चाहिए, दो टॉपिक आपको डेली रिवीजन करने चाहिए। राजनीति अगर आप चाहते हो तो राजनीति में भी आप अगर मान लो इन दो के साथ में, जैसे 2 सब्जेक्ट साथ में ले लो, तो ये 2 साथ में मत लो, एक ये ले लिया ना, एक संस्कृति को उठाओ, ये बहुत क्लिष्ट टॉपिक मानता हूं मैं, इस पर थोड़ा समय देना, ठीक है, इसमें भी क्या दो दो टॉपिक साथ में, छोटे छोटे टॉपिक है, दो दो टॉपिक, तो 5 दिन में आपकी भूगोल और संस्कृति कंप्लीट हो जाती है।
और ये जो मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के लिए मैं आपसे पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, मनोविज्ञान को आप सुबह 7 से 8:30 डेली सुबह 1.5 घंटा पढ़ लो। आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है, आप कुछ मत देखो, आपको 1.5 घंटे पढ़ना है, मेरी बात मान लो। मैं फिर कह रहा हूँ, मनोविज्ञान सुबह सुबह 1.5 घंटा पढ़ लिया करो। 40 दिन जब आप मनोविज्ञान पढ़ोगे, 3 बार रिविजन हो जाएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 20 में से आपके, मैं बोल रहा हूँ, 17+ क्वेश्चन सही होंगे। चाहे 2-3 मान लो परिभाषाएं कठिन आ जाए तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी 20-17 क्वेश्चन। ये जो राजस्थान जीके के 40 हैं, अगर आप 17+40 में से ये एक ऐसा पार्ट है, चलो 40 नहीं होते हैं तो आप मान लो कम से कम 35 क्वेश्चन तो सही करो ही करो, कट कुटा के 35। फिर आपके रहते हैं 10 क्वेश्चन करंट। क्रोनोलॉजी से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्रोनोलॉजी अब नहीं पढ़ पा रहे हो तो वार्षिकांक जैसे हैं वो वार्षिकांक ले लीजिए, उससे आप आराम से मान लो 10 में से भाई एक छोटे समय मानता हूँ 5 क्वेश्चन तो सही करोगे ही करोगे। फिर रही बात इंडिया जीके वगैरह, उसमें से 30 में से आप अगर मान लो एक छोटा सा है 25 क्वेश्चन सही कर देते हो, आप देख ली 35, चलो 20 ही मानते हैं, 35, 55, 55, 60, 70, 70 क्वेश्चन का मैटर सही हो रहा है, 77 सिलेक्शन पड़ा है। भाई किसका वेट कर रहे हो, ढंग से तैयारी कर लो। इस बार चाहे पेपर कैसा भी आए, हमें सही टेक्निक से पेपर हल करना है, गारंटेड सही होगा, सिलेक्शन भी होगा। मेरा कहना मानिए, सही रणनीति से। अब जैसे अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स तो क्या है कि मैं जो टेस्ट सीरीज वगैरह में थोड़ा मैनेजमेंट मेरा कमज़ोर है, मैं इस बात मानता हूँ, क्योंकि सारा काम मैं ही करता हूँ। लेकिन फिर भी ऑफलाइन जो स्टूडेंट में पेपर्स वाले, मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पेपर देना स्टार्ट करूँगा। जब जिस दिन ऑफलाइन का टेस्ट होगा उस दिन पीडीएफ भेजूंगा, वो ऑनलाइन टेस्ट वाला सिस्टम खत्म करूंगा और पीडीएफ दूंगा और उसी पेपर को यहाँ सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे, या फिर मान लो उसके आंसर की भेज देंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आप इस चीज़ को मानिए। दूसरी बात, एक बात दिमाग में बैठा, हम सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हमारे सिलेक्शन से हमारे पिताजी को होती है। एक बार ध्यान से सोचिए कि हम माँ बाप के लिए क्या इतना ही नहीं कर सकते क्या कि 40 दिन हम जी जान से पढ़ाई करें, हमें कितना आता है कितना नहीं आता कोई मैटर नहीं करता। अब जो ये 40 दिन हैं, ये आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। बहुत पर्याप्त समय है, इसमें आप अपनी तैयारी को एक बहुत बढ़िया दिशा दे सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आपने अब तक कितनी पढ़ाई की, कितनी नहीं की, बस आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत एक इतनी बड़ी बात है। आप इन 40 दिनों में क्या कुछ कर सकते हो उसका अंदाजा आपको नहीं है, लेकिन हमको है। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि 40 दिन ढंग से सही रणनीति सही टेक्निक से आप पढ़ लो, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अंक भार के बारे में बात कर ली, सही तरीके से रिवीजन करो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। अब तक आप सिलेबस को 3 बार रिवीजन कर सकते हो। सर सेकंड ग्रेड का इतना बड़ा सिलेबस है, आपका सर दिमाग ख़राब है क्या? हाँ भाई, मेरा तो दिमाग ही ख़राब है कि मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूँ, लेकिन याद रखें, हमने किया है तो हम बोल रहे हैं, जिसने नहीं किया वो ना बोले, हमने किया है और आगे भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस प्रकार के रिवीजन करना जानते हैं। सही रणनीति से ही चुनाव होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आई होगी, ना आई तो क्षमा चाहता हूँ, और आ गई तो मेरे साथ साथ चलिए और निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।